नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। अन्याय के खिलाफ अब की बार मिलकर वाद, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इंडिया अलायंस कड़ी मजबूती के साथ में भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने जा रही है। भाजपा ने जैसे कह दिया कि अब की बार 400 पार, तो हम साफ कहना चाहते हैं कि मोदी जी अब की बार नहीं आएगी आपकी सरकार। हमें अग्निपथ योजना के कारण भारतीय सशस्त्र बलों के सुरक्षा युवाओं द्वारा सामान की गई जन आक्रोश डालने का प्रकाश समर्थन आवश्यकता 2019 से 22 के बीच में चुने गए लगभग 1.5 लाख उम्मीदवारों को शामिल होने से वंचित किया गया और उनके अधिकारों के लड़ने का समय जय जवान अभियान शामिल हो। इन युवाओं की आवाज उठाने के लिए कहानियां साझा करें, जागरूक फैसले और न्याय की मांग करें। मिलकर आइए एक अंतर पैदा करें, ताकि अधिक जानने की कार्रवाई के लिए समर्थन के लिए 99 एक नंबर मैं आपको बता रहा हूँ साहब, उस नंबर को जरूर सुनिएगा। अगर आप अग्निवीर या फिर उसके लिए उस पर मिस कॉल देकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, 99 99 81 20 24 मिस कॉल करें और जय जवान के बारे में साहब आपको अधिक जानकारी मिलेगी। क्या आप अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार हैं? साहब, जो इस देश में अन्याय हो रहा है, चाहे वो किसान के साथ में हो, चाहे जवान के साथ में हो, चाहे संविधान के साथ में हो, चाहे युवा के साथ में हो, साहब अन्याय तो अन्याय होता है, उससे लड़ने के लिए आप इस नंबर पर फोन जरूर कीजिएगा जो हमने बताया आपको। जय जवान अभियान का हिस्सा बने और इसका समर्थन करने के लिए सशस्त्र बल में भेदभाव का सम्मान किया गया, समर्थन दिखाने के लिए अब फर्क पैदा करने के लिए मिस कॉल जरूर कीजिएगा साहब। अब कार्रवाई करें, जय जवान जय अभियान का समर्थन करें और हजारों उम्मीदवारों का सामना कर रहे अन्याय पर ध्यान दिलाने में मदद करें। सेना की पुरानी भर्ती प्रणाली को पुनः स्थापित करें और अन्यायपूर्ण अग्निपथ योजना को समाप्त करके उनके संघर्ष के बारे में जानने और अपना समर्थन करने के लिए अग्निपथ योजना को समाप्त कर इस नंबर पर मिस कॉल करें। हम साथ मिलकर फर्क पैदा करते हैं, कार्रवाई करें इस नंबर पर। साहब, जो आपको मैंने बताया, बार बार मैं इस नंबर को इसलिए बताता हूं क्योंकि इस देश में अन्याय काल चल रहा है, इस देश में मित्र काल चल रहा है, लेकिन भाजपा का लोग झूठ मूठ में कहता है इस देश में अमृत काल चल रहा है। मैं आपको साहब बताऊंगा कि आप कार्रवाई जय जवान अभियान के समर्थन में हजारों उम्मीदवारों का सामना अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए मिस कॉल। और मैं आपको साफ बताऊंगा, बेरोजगारी, युवा सशक्तिकरण, सेना के लिए समर्थन, अग्निपथ योजना, पेपर लीक, ये जो साहब 4-5 मुद्दा मैंने आपका नाम बताया ना, ये बहुत ही दिलचस्प मुद्दा है जिससे भारतीय जनता पार्टी मतलब भाजपा युवाओं का ध्यान भटकाने का काम करती है। इस देश का युवा लाठी खाने के लिए मजबूर है। बेरोजगारी, यह बताना कैसे कि जवान जय जवान जैसी पहली युवाओं के लिए योजना के अवसर के कारण बेरोजगारी दर कम करने का योगदान दे सकती है। साहब, मैं आप जो नंबर पे फोन करेंगे, बात करेंगे ना, तो आपको बहुत जानकारी मिलेगी जिससे बेरोजगारी को कम किया जाए, या बेरोजगारी को कम कैसे होगा, बेरोजगारी से युवा कैसे जूझ रहा है। युवा सशक्तिकरण, साहब महिला सशक्तिकरण तो आपने भाजपा का देखा होगा, लेकिन जो इंडिया अलायंस है ना, वो महिला सशक्तिकरण भी करेगा, युवा सशक्तिकरण करेगा। युवा सशक्तिकरण के बारे में मैं आपको बताऊंगा। दिखाना यह है कि जय जवान अभियान के कौशल विकास कार्यक्रम के करियर की संभावना प्रदान करते हुए युवाओं की व्यक्तियों की सशक्त बनाना है, युवाओं को साफ सशक्त करना है। क्योंकि आपने देखा होगा कन्नौज का 23 साल का युवा जब अपनी डिग्रियों को जला देता है और खुद आत्मदहन कर लेता है, साहब वो कितना गलत है आप लोग सोचिएगा जरूर। अग्निपथ योजना, मैं बार बार बोलता हूं कि प्रधानमंत्री बनेगा 5 साल के लिए, युवा गरीब किसान पिछड़ा आदिवासी का बेटा अग्निवीर में जाएगा 4 साल के लिए, ये बेईमानी है या नहीं आप अपनी प्रतिक्रिया साहब जरूर दीजिए। पेपर लीक पर चर्चा, जो मैं हर बार बोलता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में साहब उतना डायपर भी लीक नहीं होता है जितना पेपर लीक होता है, लव लेटर भी उतना लीक नहीं होता है जितना भाजपा की सरकार में पेपर लीक हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की इस बालू स्याही को हटाने के लिए इंडिया अलायंस का आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिएगा। इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करना बेहद जरूरी है। अब अनुराग ओझा को दीजिए इजाजत, शुक्रिया, धन्यवाद, जय।